नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको भादवे महीने की चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसे चौथ के व्रत के दिन सुनने से चौथ माता आपको अखंड सुहाग प्रदान करती है। एक सास और बहू थी। उसका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड प्यार से रखती थी। एक दिन सास काम से गांव गई तो बहू से बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना, और सास गांव चली गई। सास की जाते ही चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोस की औरतें कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली, आप ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। तो बहू बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली, चौथ माता अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते सब देती है। पति परदेश गया वापस आ जाता है तो भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास तीन टाइम रोटी देती है। औरतें बोली, एक टाइम की गाय के बछड़ी को दे दिया कर, दूसरी टाइम की औठाने में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर, और चूरमा बनाकर जोत देख कर चौथ माता के भोग लगा कर चांद को अर्घ देकर खाना खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर वे वहां से चली गई। आगे चौथ का व्रत आया तो उसने वैसे ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में कौन मानेगा? चौथ माता सपने में पति से बोली, घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था तो वह बोला, लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो कैसे जाऊं? चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आ गया। रास्ते में सांप मिला और बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं मेरे घर वालों से मिल लूं तो फिर खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से बोला नहीं, वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ व्रत था। पत्नी ने व्रत किया। वो जोत देख रही थी कि वहीं पर पट्टी पर जोत का सामान, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और ऊपर कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, ये इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तो दीपक की ढाल बन गई, आंखों की तलवार बन गई और सांप को काट कर ढाल से ठग दिया। पति ये सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला, तो पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोल ही नहीं रहे थे। तो पति बोला, क्या बोलता, यह देख मेरा काल साथ आया था, वह मर गया। दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला, माँ मेरी जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी? माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तब तो फिर भी मंदिर चली जाती थी, तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने पूछा, बहू से पूछो। माँ बोली, ये क्या करेगी, इसको तो मैं तीन समय खाना देती थी। बहू इशारे से बोली, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी? बहू बोली, मैं चौथ माता का व्रत करती थी। सास बोली, क्या सबूत है? बहू बोली, बछड़े से पूछ लो, बछड़े ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बोली, औठाने में देख लो, औठाने को खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने चांदी हो गए थे। तीसरा बनिए से पूछ लो तो बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी है? बहू बोली,
हाँ चौथ माता सबका भला करती है, आपके पति को लंबी उम्र प्रदान करती है। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उस सास और बहू को उसके बेटे और पति से मिलवाया, उसकी रक्षा की, वैसे ही आपका व्रत करने वाली और आपकी विधि पूर्वक पूजा करने वाली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो।